हाँ, तो हम लास्ट टर्न पे बातें कर चुके थे कि जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टर पे अपने चर्चा करिए। रेंज पूछे, मैक्सिमम हाइट पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। पक्की बात, एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा होती है। इक्वेशन ऑफ रोटेटरी वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस कॉस थीटा होती है, कोई बड़े वाली बात नहीं। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ ले, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, किसी टाइम पे डिस्टेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, एंगल वाले सवाल पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कौन सी रफ्तार चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होती है, पक्की बात यार, हाँ ना बोल, सोच लो। चलो भाई, इस तरह की बातें अपन ने कर ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर अपन बात करें, मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको एक सवाल के थ्रू बातें समझाता हूं, मेरी बातें बहुत ध्यान समझे, आपको अच्छा लगेगा। क्यों मारा इसी उला रहा उसकी मारा, एक पार्टिकल जिसको यू रफ्तार से फेंका गया, दो पार्टिकल जिनको यू रफ्तार से फेंका गया, एक को फेंका गया 42 डिग्री से, कितने से 42 डिग्री से फेंका गया, और एक को फेंका गया 59 डिग्री से, नहीं 49 डिग्री से। दोनों की रफ्तार यू, दोनों की रफ्तार यू, किसकी रेंज ज्यादा, मैंने कुछ गलत दिया है क्या सवाल, इन दोनों का सम 90, कंफ्यूज मत हो, इन दोनों का सम 90 नहीं है, किसकी रेंज ज्यादा है, तुम लोग बताओगे। एक बार अच्छे समझते हैं, रेंज क्या चीज, रेंज का रियल फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये मैक्सिमम, ये रेंज मैक्सिमम तब होगी जब क्या, साइन टू थीटा इक्वल्स टू 1, साइन टू थीटा, अरे कभी तो हाँ ना बोल, साइन टू थीटा इक्वल्स टू, मुझे लगा ही तुम्हें आया। तो थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू, कोई शक वाली बात नहीं है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती तब रेंज मैक्सिमम होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब अगर मैं यू, मेरे को अगर पार्टिकल मेरी मान लीजिए हम बंदूक है या हमारा हाथ है, हमारी ताकत फिक्स है, ताकत का मतलब हमारा यू फिक्स है, क्या फिक्स है, तो हम किस एंगल पे फेंकेंगे मैक्सिमम दूरी पर जाए, और कैसे फेंकेंगे मैक्सिमम पर जाए, सीधा पे, अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया। एक सवाल ओरली पूछता हूँ, आंसर देना एग्जाम। अ पार्टिकल, सॉरी, अ मैन कैन थ्रो अ पार्टिकल अप टू अ मैक्सिमम हाइट एच, अ मैन कैन थ्रो अ पार्टिकल अप टू अ मैक्सिमम हाइट, what is the maximum distance he can throw, orally answer दे सकता है, फिर से सुनना, एक आदमी maximum ऊपर h फेंक सकता है, वही आदमी maximum कितनी दूर फेंक सकता है, पेन मत चलाओ, पहले तो सवाल चमकया, एक आदमी मैक्सिमम एच ऊपर फेंक सकता है, कितना एच, तो बताओ मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता है, कितना, चार मैक्स की वैल्यू है कितनी, यू स्क्वायर बाई जी, याद करके हम मैक्सिमम हाइट एच फेंक सकते हैं यू स्क्वायर बाई टू जी, कितना फेंक सकते हैं, तो हमारा यू कॉमन है ना, तो मैं मैक्सिमम दूरी कितनी फेंक सकता हूं, U square by G, क्या U square by G का मतलब 2H? Yes, नहीं आया, मतलब अगर मैं 10 मीटर ऊपर फेंक सकता हूं तो क्या मैं 20 मीटर दूर फेंक सकता हूं? Yes, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, सिर्फ मुझे सही एंगल पे फेंकने की आवश्यकता है, और कोई आवश्यकता नहीं, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, सिंपल सा सवाल एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, खैर मैं वापस सवाल याद आ गया था इसलिए मैंने पूछ लिया, मैं वापस ट्रैक पे आता हूँ। तो मैक्सिमम रेंज होती है 45 पे, कब होती है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो जब थीटा जीरो से लेकर, कहां से लेकर, जब थीटा जीरो से लेकर 45 डिग्री तक आएगा तो क्या रेंज बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी, थीटा जीरो पर क्या रेंज जीरो है, यार नहीं आया, और थीटा 90 पे,
थीटा 90 पे, तो मैक्सिमम 45 पे हुई ना। तो जब थीटा 0 से 45 रहा तो ये अब बड़ी, और जब 45 हो गया तो वो मैक्सिमम हो गई, कोई शक वाली बात। और जब थीटा 45 से लेकर 90 के बीच में रहा तो क्या रेंज फिर घटी? रेंज, और यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सीखे क्या कि जितना थीटा 45 के पास होगा उतनी रेंज, जितना एंगल 45 के उतनी रेंज। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब बता इसमें कौन 45 के पास है? क्या 45 माइनस 42 3? क्या 49 माइनस 45 इज 4? कौन पास है? 42. कौन पास है? 42. तो रेंज ऑफ 42 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 49। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, यू हैव टू जस्ट चेक द एंगल विच इज नियरर टू 45 हैज अ मोर रेंज। बोल यस और नो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो दो तीन चीज हम सीख गए। एक और चीज इसमें सीख लो, ध्यान समझने देखो। ये बात लॉजिकली समझ में आती है कि रेंज पहले जीरो से मैक्स हुई, फिर मैक्स से जीरो हुई। तो मान लो कि रेंज जीरो से बीस हुई, फिर बीस से जीरो हुई, तो 15 रेंज एक एंगल के लिए कि दो के लिए? एक 45 से कम, एक 45 से। तो एक एंगल थीटा रखो, एक 90 माइनस थीटा रखो। अरे यार, एक थीटा रखो और एक, क्योंकि 45 के दोनों बराबर बराबर तरफ रेंज बराबर होगी। सोच के देख। अरे हाँ ना बोल। 45 के दोनों बराबर बराबर तरफ क्या रेंज बराबर होगी? अरे नहीं आया। तो वो एंगल होगा थीटा और दूसरा होगा, अरे नहीं आया। कॉमन सेंस की बात है। तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज इज सेम। क्या सेम? क्या इनका एच मैक्स भी सेम है? क्या इनका एच मैक्स भी सेम है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है? क्या सेम है इनका? सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स सेम नहीं आया। टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी ज्यादा होगी जिसका यूआई ज्यादा होगा, जिसका यार मुझे लगा है तुम्हें आया। आया नहीं आया। तो उसका डायग्राम भी अगर बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ध्यान से देखो आप, ऐसे आपको दिखाई देगा कि एक तो ऐसे हुई ये, और दूसरा बोलो क्लियर, ये थीटा और ये। चलो खुद बताओ इनकी रेंज सेम है पर टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी ज्यादा है? पक्की बात? अरे नहीं आया। तो ये T2 है, ये T1 है, तो T1 दिस। बोलो यस और नो। रेंज सेम है पर T1 T2 सेम? बोलो क्लियर है? ये सब याद होना सीखने वाली बात। जितना 45 डिग्री के पास उतनी ज्यादा रेंज होगी, क्योंकि रेंज मैक्स उसको मिला रहा। आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दमा दम, तेरी जुओं की बरसात हो जाए। हाँ चलिए, मान लीजिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। दो पार्टिकल ऐसे फेंके गए, बोलो क्लियर है? इनकी स्पीड पे कमेंट कर सकते हो तुम? या ये अनकमेंटेबल चीज है? YouTube ज्यादा होगा गारंटी। अच्छा न
बोलो दोनों का HMX सेम है क्या? Yes, sir. HMX सेम implies time period same. Yes or no? Yes, true or false? True. HMX same implies time period same. इनके टाइम पीरियड पे मैं पूछ सकता हूँ क्या? इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है? अलग है? सेम है, अलग है. क्योंकि एच एम एक्स होता है यू वाई स्क्वायर बाई टू जी और टाइम ऑफ फ्लाइट होती है टू यू बाई जी. ये दोनों यू पे ही डिपेंड, यू वाई पे डिपेंड करते हैं. एच एम एक्स भी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या दोनों यू वाई पे डिपेंड करते हैं? अगर ये दोनों यू वाई पे डिपेंड करते हैं, अगर ये दोनों यू वाई पे, तो अपने को बाकी चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत? तो ये बिल्कुल सत्य वचन है. यानी कि T1 और T2 बराबर है और यू कैन से UY1 इक्वल टू UY2. ये बात सच्चाई है. तो दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है. जिसकी रेंज ज्यादा होगी, जिसकी रेंज रेंज होती क्या है? UX इंटू T. UX इंटू रेंज होती है UX इंटू T. चूंकि दोनों की टाइम पीरियड सेम है, चूंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, पर R2 ग्रेटर देन R1 है, क्या दिस इंप्लाइज UX2 ग्रेटर देन UX1? और चूंकि दोनों का UY1 UY2 बराबर है, क्या स्पीड ऑफ U2 इज ग्रेटर देन U1? स्पीड ऑफ U2 इज, मुझे लगा नहीं तो मैं आया. तो मैंने दो तीन चीजें सिखाई कि अगर HMX है तो क्या सेम है. यार आवाज नहीं है यार. HMX सेम है तो टाइम सेम है, टाइम सेम है मतलब UI सेम है. क्या सेम है? क्योंकि HMX और टाइम दोनों UI पे डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. आया कि नहीं आया? आया. सोच लो. yes, इधर देख. आइए R बराबर UXT, UXT टू रिजिलेबल इसमें रह रहा है. ये उतार लिया तो मैं आगे बढ़ू. आइए अब इसमें ना बहुत सारे सवाल चाउमो टाइप आते हैं. छोड़ो हाँ, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास इक्वेशन है y बराबर रूट थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर. रूट थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. Find u and theta. सिंपल सवाल है, गलत मत करना. आपको एक इक्वेशन ऑफ कर दे दी, अब पूछा उसने फाइंड u एंड थीटा. Compare it with your equation of trajectory. Compare it with your equation of trajectory. Y equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Compare it. Tan theta equals to root 3. Therefore theta equals to 60 degree. Therefore cos 60 degree is half. अरे हाँ ना तो बोल. इसका मतलब g by 2u square, g का मतलब 10, 2u square cos square 60 मतलब 1 by 4 equals to 2. अरे सही कर रहा हूँ क्या? तो ये मर गया ये. तो u के लिए root 10 आई मेरी. कितनी आई? ऐसे कभी भी equation trajectory से compare कर डाले तो कोई दिक्कत? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. आया नहीं आया? आया. सोच लो. yes, पक्की बात? yes, एक और सवाल लिखाता हूँ. लिखो अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड सच दैट such that it just crosses a wall, such that it just crosses a wall
ऑफ हाइट 4 मीटर ऑफ हाइट 4 मीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर क्या बोला बॉल इज थ्रोन सच दैट इट जस्ट क्रॉसेज अ वॉल ऑफ हाइट एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल एट डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल फाइंड यू एंड थीटा थीटा 45 गलत देखो जैसे शेयर करते मत करना थीटा 45 नहीं है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले डिस्प्लेसमेंट का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं होता है कंफ्यूज जो 45 दे रहे हैं उनको बता दूं क्या गलती कर रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होता है कोई भी पॉइंट अगर यहां पर है तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है अरे भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होता है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्चुअली इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक और इक्वेशन ट्रिजेक्टर की इक्वेशन सिखाता हूँ समझे उसको उससे थोड़ा आसान हो जाएगा वो भी इक्वेशन ट्रिजेक्टर की फॉर्मेट याद रहे तो कोई बुराई याद सर sec square theta को किसको sec square theta को sin theta से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो अब देखना 2 sin theta cos theta u square sin 2 theta बन गया और एक cos theta बचा जो sin theta के साथ tan theta बन गया और ये u square sin 2 theta by g रेंज बन गई तो देख इसको अपन क्या लिख सकते हैं x tan theta 1 minus x by r You can manipulate your equation trajectory like this also. Y बराबर x tan theta 1 minus x by r. ये कभी कभी काम आ जाती है मैंने कह रहा इसके बिना आप काम नहीं कर सकते कर सकते थे इस सवाल में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस पर्टिकुलर सवाल में इससे आसान थोड़ा कैसे होगा ध्यान से देखें पार्टिकल फेंका गया 4 मीटर दूरी पे एक बॉल है 4 मीटर हाइट की दूर जाके बॉल गिरी 14 मीटर कितने मीटर कहां से वॉल से बोलो क्लियर तो 4 और 14 क्या चीज है यार रख दो डायरेक्ट वाई कितना है जब सोच के देखो इस पॉइंट के लिए वाई 4 और एक्स भी 4 नहीं आया तो 4 बराबर 4 टेन थीटा 1 माइनस 4/18 अरे यार नहीं आया तुम्हें दूर दूर तक समय आया नहीं आया तो मैंने आपको इक्वेशन ट्रिजेक्टरी नई फॉर्मूली बताई और सॉल्यूशन भी बताया बढ़िया 4 ने 4 को मार दिया tan theta is nothing but 18 minus 4 कितना 14 क्या 9 by 7 is the correct answer yes, so theta is 10 inverse 9 by 7 किसी ने हो सकता है ऐसे करा हो तो छोटा रहा होगा अपनी कैलकुलेशन से करा होगा तो लंबा रहा होगा पर जिसने सही निकाला होगा उसका आया यही होगा वंस यू विल गेट थीटा क्या यू विल गेट यू क्योंकि आपको रेंज पता है अरे क्या पता है रेंज लिख दो 18 u स्क्वायर sin 2 थीटा अरे भाई कभी तो हां ना बोलो सॉल्व करूं पूरा याब हो जाएगा अरे एकदम पक्का सोच लो तो मैंने एक अच्छा सवाल भी कराया और एक अच्छी फॉर्मेट भी कराई जो आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं और देखिए एक और करोड़ों का सवाल कराता हूं स्टैंडर्ड सवाल है बहुत स्टैंडर्ड करा हुआ होगा कई लोगों ने पर फिर भी दोबारा करो एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था थीटा क्या था
बीटा, इसका कोई भी एक पॉइंट चूज करा जाए और उसे ट्राइंगल बनाया जाए, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, बोलो क्लियर, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, तो बोला जाता है प्रूव करें टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूव करना है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू टेन थीटा। ध्यान सुने, आसानी से करा जा सकता है, वापस इक्वेशन ट्रेजेक्टरी जो भी सिखाई थी उसको यूज लो। मान लो कोई कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो ये दूरी है वाई, ये दूरी कितनी है एक्स, ये दूरी कितनी है आर माइनस एक्स, वाई बराबर एक्स टेन थीटा, वन माइनस एक्स बाई आर, कोई बुराई वाली बात, ध्यान से देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई, आर वाई बाई एक्स आर माइनस एक्स, अरे हाँ ना बोल, टेन थीटा के लिए निकालो, टेन अल्फा के लिए बोल वाई बाई एक्स, टेन बीटा के लिए बोल वाई बाई आर माइनस एक्स, तो वाई कॉमन आर माइनस एक्स प्लस एक्स आर बाई एक्स आर माइनस एक्स, एल एच एस बराबर आर एच एस, खत्म। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कहीं को तो पता ही नहीं पड़ा ये हुआ क्या, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के लिए लिख दी, कह लोगों तो करा ही नहीं, मैं क्यों करूँ, हमारे तो साला ओएमआर एग्जाम आता है प्रूव दैट। अरे भाई साहब, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, अरे आया कि नहीं आया साला। और अंकल आंटी कैसी हैं, अच्छी हैं, और मम्मी, तो फिर पहले किसको किसके लिए बोला था तू, पहले भी मम्मी के लिए बोला था, ये 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 ये। चलिए हो गया, हो तो मैं एक और कराऊं, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समय, अब है ना, मैं और भी अच्छी सवाल कर रहा हूँ, उसके पहले मैं बेसिक टावर वाली चीजें खत्म कर देता हूँ, टावर वाली कौन सी, मतलब टावर से पार्टिकल को फेंका तो। पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप एक पार्टिकल को एच हाइट से, कहां से, एच हाइट से यू से ऐसे फेंकते हो, इट विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल, कहां गिरेगा बता सकते हो, और भी बोलो देखा, ओरली बोलो, ओरली बाय डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं। तो क्या बाय डायरेक्शन के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे पार्टिकल ड्रॉप करा जाता है, क्या ड्रॉप करते वक्त क्या अंडर रूट जो टाइम ऑफ लाइट आती है अंडर रूट टू एच बाई जी, अंडर रूट टू एच बाई, कोई बुराई अंडर रूट टू एच बाई जी, अच्छा अंडर रूट टू एच बाई जी में आगे किसने चलाया, तो रेंज क्या हो गई, यू टू अंडर रूट टू एच बाई, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, रेंज निकल आई, टाइम ऑफ लाइट अपने को पता ही अंडर रूट टू एच बाई जी, ये पुराना कॉम्बिनेशन ही है, कोई खास बात, मैं तो कह रहा हूँ टकरा दे क्या रफ्तार होगी, क्या आप निकाल सकते हो, वाई डायरेक्शन देख अगर आप पार्टिकल को छोड़ दो तो टकरा दे रफ्तार होती है रूट टू जी है, क्या होती है, और यू में कोई चेंज, तो उसकी दो रफ्तार होगी, एक वर्टिकल वाली होगी रूट टू जी एच, और क्या इधर वाली होगी यू, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, पुरानी बात अगर आती तो ऊपर टावर से फेंकना कोई खास बात, बताओ कितनी रफ्तार से फेंकूंगी वहां पे पार्टिकल को मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, पार्टिकल टाइप नहीं आया, आया नहीं आया, सोच लो, उतार ले। एक सवाल दूसरे तरीके करा देता हूँ, सही करना बिल्कुल, मेरी हर खुशी है, तू ही आरजू है, समा सारा जमाना, अरे उतार लिया, अभी पार्टिकल को कहाँ फेंका,
कहाँ फेंका, कहाँ फेंका, क्या नीचे आके गिरेगा, सब कुछ बताना, टाइम ऑफ फ्लाइट, कहाँ टकराया, क्या रफ्तार से टकराया, तुझे हमने बुद्धि लगानी, ये सब पुरानी बात ही है। क्या यूएक्स और यूआई को अलग अलग कर लेना चाहिए? क्या यूआई के टर्म्स में टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालना आता था? तो करो है? रेंज हो गया, चलिए आइए। 10√2 45 डिग्री 40 मीटर, इधर देख, 40 मीटर 40 मिनट आओ। क्या इधर की तरफ रफ्तार 10? क्या इधर 10? क्या लिखा जाएगा? -40 = 10t -half of 10t² पहले क्या हो, सबको चमका? ये तो मेरी इक्वेशन नहीं चमकी। y डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखे हैं तो क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है -40? कितना है इनिशियल रफ्तार है y डायरेक्शन में 10, कितनी है 10, तो 10t -half of 10t² जब सॉल्व करोगे तो t के दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहां से भी तो दो रूट आएंगे, -2 और 4 लेंगे, कौन सा 4, कौन सा 4, 4 सेकंड तक अगर हम यहां से यहां तक ट्रैवल करते रहे और हॉरिजॉन्टल में रफ्तार थी 10, तो क्या ये दूरी होगी 40 मीटर? अरे कितनी होगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy = uy यानी कि 10 - 10 × 4 यानी कि रफ्तार आई 40 - 10 यानी कि -30, मतलब y डायरेक्शन में रफ्तार हो गई 30 और x में कितनी हुई 10। अरे हाँ ना बोल, तो आंसर आया 10√10। अरे कितना आया तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? सोच अगर ऊपर से फेंकूंगा तो कुछ भी पूछा जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी टावर और नॉर्मल सवालों का मिक्सचर है? मैं रेंज कहता हूँ, रेंज आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, ध्यान सुनना, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में डाल लो, y बराबर x tan थीटा, अरे यार y बराबर x tan थीटा 1 - gx² / 2u² cos² थीटा। ध्यान सुनना मेरी बात, क्या हमें यहां से फेंका जाए तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अरे लगा सकते हैं, उसमें कोई खास बात सर, ये तो आपने ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ी थी, हमने कहां पे वहां पे ग्राउंड की बात करी थी, हम टावर से फेंक लो। तो आप सोच के देखो, अगर आपको ये चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए? क्या वाई हो गया -40? वाई क्या हो गया, इसमें वाई रखो -40, एक्स की वैल्यू मतलब रेंज, एक्स की वैल्यू मतलब टेन थीटा की वैल्यू 1 यानी कि थीटा की वैल्यू 45, बोल यस और नो, और u की वैल्यू 10√2 की बने, क्या x में क्वाड्रेटिक बनेगी? दो रूट आएंगे 40, एक आएगा 20, -20, -20 का कोई मतलब नहीं। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तुम्हारे प्राण प्रखेरू, तो आप इक्वेशन जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, मैं बस ये कह रहा हूं कि इनसे डरने की जरूरत जो आप पढ़ चुके हो उससे नए सवाल नहीं है ये। सर तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया, एक नीचे फेंकने वाला कर दो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। लो भाई साहब, एक पार्टिकल उधर की तरफ फेंका गया, ये एंगल 53 डिग्री है, इसकी रफ्तार है 50 मीटर/सेकंड और हाइट है 100 मीटर, बताओ कहां टकराएगा? रेंज क्या आई? 60 इज करेक्ट। तुम लोग कर सकते हो, 60 इज करेक्ट। इधर देख, 50 का इधर कंपोनेंट कितना है? 30। इधर कितना है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 40 यूज लेंगे? क्या डिस्प्लेसमेंट है -100? -100 - 40t - ½ of 10t² कोई बुराई? जीरो ने जीरो को मार दिया, कोई दिक्कत? t² + 8t - 20 = 0। अरे यार सही तो बोल रहा हूँ, अरे हाँ ना तो बोल, टाइम के लिए क्या आएगी और दूसरा क्या है उसका कोई मतलब नहीं।
तो ठीक है, तो 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2 सेकंड के ओरिजिनल में रफ्तार 30, तो कितना हुआ 60, कितने से टकराएगा क्या बता सकते हैं? इस वाली 30 में कोई चेंज? उधर हो गया by equals to -40 -10 into 2 यानी कि -60, मतलब इधर 60, तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समय यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, टावर से सीधा फेंको, टेढ़ा फेंको, ऊपर फेंको, कैसे भी फेंको, क्या सवाल कर सकते हो? जब टावर से फेंका जाए तो रनने की जरूरत है? मैं अकेला ही सीख रहा हूँ सर, थोड़े दिन तक हम सीख रहे हैं, फिर आप अकेले ही पाओगे अपने आप को। थीम पाटखा यू से फेंका गया है, ए बी सी, एक ऊपर एक नीचे, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा होगी? ये सवाल पहले मैं पूछ चुका हूँ, किसी किसी सबसे ज्यादा किसी होगी? क्या बात कर रहे हो, सोच लो। उसके बाद बाकी बात ये बोलूं कि समझ आ गया है? पक्की बात, टकराते वक्त सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? टकराते वक्त सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? टकराते वक्त किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? अरे हाँ तो बोलो, किसकी बराबर है? पक्का बराबर है? क्यों? क्या भला ये बी वाला ही थोड़ी देर बाद सी बन जाता है? नहीं आया? तो क्या पक्का? वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सी, ऐसे कमेंट करो। बोल सकते हैं थीटा पर डिपेंडेंट है भाई, बी और सी बराबर है, ये सबको समझ आया क्या? ए से कंपेयर करो, या थीटा पर डिपेंडेंट है? ए की स्पीड कम ज्यादा, कम ज्यादा बराबर, कम ज्यादा बराबर, तीन ऑप्शन है। ए की स्पीड कम होगी, कितने लोग बोलते हैं? ज्यादा होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। अबे ऐसे मत देखो, सही है, लॉजिक सुनते हैं आगे के चैप्टर से, भले पर सुनो उसे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम अलग, डिग्रीज इन पोटेंशियल जी सेम अलग, तो फाइनल एनर्जी सेम ही होगी। लॉजिक सुन पहले, फिर दूसरा लॉजिक भी दे दूंगा प्रूफ करके, टेंशन मत लो। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है? Yes, क्या बल्टन बाय ग्रेविटी तीनों में सेम है? Yes, तो फाइनल एनर्जी सेम ही होगी ना? Yes, मतलब फाइनल स्पीड सेम होगी। अब खुद प्रूफ करना, अक्कल लगाना, मैथमेटिकली दिख जाएगा तुम्हें। यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन स्क्वायर थीटा बनता हुआ नजर आएगा। इस वाले केस में रफ्तार आएगी u स्क्वायर प्लस रूट टू जी एच, टू जी एच का रूट। अरे यार भाई, x में तो u ही रहेगी और क्या y में रूट टू जी एच आ जाएगी? इनमें भी निकाल के देखना, वही आएगी, वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन हो जाएगा। अरे यार, और लॉजिक दूसरा बता रहा हूँ, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम? अभी तो सॉल्यूशन देख लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, बर्डन बाय ग्रेविटी इज सेम, देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, देयरफॉर फाइनल स्पीड इज सेम, और प्रोजेक्टाइल का प्रूफ आप खुद करोगे। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया बता ही देता हूं, तुम्हारा कोई भरोसा। सब लोग सोच रहे साला पता नहीं क्या गलत पढ़ाया इसने। इधर रफ्तार क्या रूट टू जी एच है अगर यू से फेंकी, और इधर कितनी है यू, तो उसकी स्पीड कितनी है? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, पहले था यस और नो। अगर मैं ऊपर फेंकू या नीचे फेंकू, चलो ऊपर मान लेता हूँ, तो इधर यू इधर थीटा, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक है, इधर यू साइन थीटा और इधर u cos थीटा, u cos थीटा में टकराते वक्त कोई चेंज? वो तो u cos थीटा ही है,
पर अगर मैं यू वाई की बात करूं, किसकी बात करूं, तो मुझे लिखना चाहिए यू वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई बराबर, अरे वी वाई स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, पहले था यस और नो, तो यू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, टू जी एच, अरे हाँ ना बोल, टू जी एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो असलियत में जो रफ्तार है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू वाई स्क्वायर, व्हाट इज यू वाई स्क्वायर, वो रहा टू जी एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वापस वही है। अरे भाई मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, हालांकि इतने लंबे प्रूफ की जरूरत, लॉजिकली भी बोल सकते हैं, लॉजिकली भी कुछ अच्छे सवाल प्रोजेक्टाइल के मैं आपको कराऊंगा, बाकी बेसिक प्रोजेक्टाइल खत्म हो चुका, मैं लूंगा अभी करीब एक लेक्चर और, पर अच्छे सवाल कराएंगे, अब क्या कराएंगे, थोड़ा इंक्लाइन पे बात करेंगे, थोड़े अच्छे सवाल आर्मी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आर्मी में प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाता है, बम फेंकना है, कितनी दूरी पे होना चाहिए आदमी मर जाए, कहाँ से फेंकें मिसाइल को गिराएं, ऐसे थोड़ी खुद के देश में, मतलब दूसरे देश में मिसाइल गिरानी हो तो जैसे टारगेट दिखा गिरा दी, साला खुद ही के देश में गिरी, अरे हाँ ना बोले यार। सो आर्मी में प्रोजेक्टाइल है वेरी वेरी लार्ज यूज, सो वील डू मतलब कुछ डिसेंट लेवल तक हम उसे करेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छा लगे, बाकी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हैज बीन फिनिश्ड, आप थोड़ा अच्छे लेवल का करेंगे, किसका करेंगे, स्लाइड थी करीब एक लेक्चर, बाकी ऑलमोस्ट डन है, तो आप इसके बेसिक एक्सरसाइज वन कर लो, क्या कर लो, कोई एचसीएल में लाया तो बता दूं कहां तक कर सकते हो, एक्सरसाइज वन प्रोजेक्टाइल वाला कर लो, ये कहां तक दिए मैंने, ये अभी चवालीस तक कर लो, 44 तक HCV कर लो, और एक्सरसाइज वन प्रोजेक्टाइल कर लो, एक्सरसाइज टू भी करना चाहो तो कर लो, चलो बाय।